अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे भाई ने कमेंट करके हमें बताया कि उनका ये ओवरलॉक का मशीन का जो ऊपर का धागा काफ़ी टूट रही है। बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है, तो आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो धागा टूटने की भी वजह यह है कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि सुई आपका सीधा है या नहीं। अगर सुई सीधा रहेगा तो सही है, अगर सुई उल्टा रहेगी तो इससे क्या होती है, उल्टा सुई रहेगी तो धागा ज़्यादा काटती है। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना है। यहाँ पे खांच रहती है, इसे मशीन के अंदर सुई लगाते हैं ना तो ये साइड खांच रहती है, तो इसमें सामने सामने खांच रहती है। ऐसे नाखून डाल के देखिए, मेरा ये नाखून का पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर जाके स्लिप कर रही है, यानी खांच के अंदर बीचे बीच जा रही है। तो आप ये चेक कर लीजिए, अब बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वजह मैं बता रहा हूँ, ये दाब खोल के हटाता हूँ, तो ये प्लेट यहाँ पे, ये जो धागा यहाँ पे ऐसे नीचे करते हैं ना तो इसमें अगर लगती होगी तो धागा टूट जाती है, क्योंकि धागा है ना यहाँ पे, इसके अंदर बिल्कुल शर्ट के जाएगी तो ये धागा को छील के तोड़ देगी। नहीं तो क्या है, अगर ये क्रॉस सुई रहेगी तो ये साइड से है ना, यहाँ पे ये साइड से ये प्लेट में लग के धागा को छील के तोड़ देगी, ठीक है। तो ये तीन वजह के वजह से धागा तोड़ती है। फिर और एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये सुई हम यहाँ पे रहते तो धागा ऊपर है, ठीक है, इतना पे रखे हैं तो धागा ऊपर है। अब जब हम इसको नीचे कर रहे हैं, ये देखिए नीचे कर रहे हैं, तो ये धागा इसके अंदर लेगी, ठीक है। जब ये पॉइंट यहाँ आती है, देखिए ये यहाँ पे जो पॉइंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे हल्का सेब है और ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे आके अगर ये सुई इसके अंदर, ये दो सुई अगर ये सट के जाती होगी तो इससे क्या है, यहाँ पे धार रहती है हल्का सा, ये धार के वजह से भी धागा आगे का तोड़ देती है, ठीक है। और ये देखिए ऊपर का जो झाल है जिसमें स्प्रिंग रहती है, तो मैं इतना पे टाइट किया हूँ, ये मतलब इसको टाइट कर रखा हूँ, ठीक है। अगर इसको हम खींचते हैं तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाए, ये देखिए खींच रहे हैं तो ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लग रही है। अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर और ताकत लग रही है तो इसको ढीला कर लें, यहाँ इसको ढीला कर लें इस तरह, ठीक है। और यहाँ वाले को बिल्कुल आप इसको लूज छोड़ दीजिए ताकि इसमें ज़रा भी प्रेशर ना रहे, ये आसानी से खींचा जाए। और दूसरा इसको भी बिल्कुल लूज कर लीजिए, ठीक है, इसमें ज़रा भी प्रेशर नहीं रहता, ये साइड और ये साइड का लूज रहे तो और ऊपर का टाइट रहे तो ओवरलॉक बहुत अच्छी और फिनिशिंग आती है। तो इस तरह करके आप धागा का सेटिंग भी कर सकते हैं और धागा इसके वजह से तोड़ती भी है। तो यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी।